नमस्कार इंडिया, स्वागत है ब्रेकिंग न्यूज प्रयागराज। कांवरिया बंद भारी सुरक्षा के बीच नैनी जेल रवाना। आपको बता दें, बहुचर्चित सपा विधायक जवाहर पंडित हत्याकांड मामला कांवरिया बंद समेत चारों आरोपियों को एडीजे कोर्ट ने सुनाई सजा। चारों दोष सिद्ध आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा। हत्याकांड में पूर्व सांसद कपिल मुनि कांवरिया भाई, पूर्व विधायक उदय भान कांवरिया भाई, पूर्व एमएलसी सूरज भान कांवरिया और रामचंद्र त्रिपाठी को एडीजे बद्रीश विशाल पांडे की कोर्ट ने सुनवाई आजीवन कारावास की सजा। ट्रायल कोर्ट ने कांवरिया बंधु सहित एक अन्य को 31 अक्टूबर को हत्या का दोषी दिया था करार। एडीजे कोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद 18 अक्टूबर को फैसला कर दिया था सुरक्षित। 31 अक्टूबर को अदालत ने चारों हत्यारोपी को दिया था दोषी करार। 13 अगस्त 2000 आज जो फैसला है इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? आज जो फैसला आया, आप सब लोग जानते हैं कि हम सब लोग निर्दोष हैं और फैसला ये पूरे प्रयाग की जनता जानती है और जो लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं उनकी आंखों में देखिए तो स्वतः महसूस हो जाता है कि जनता क्या चाहती है और क्या फैसला है और हम लोगों को न्याय मिलेगा, इसी विश्वास के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या हाईकोर्ट जाएंगे? अब उच्च न्यायालय में आदेश के खिलाफ जाना ही पड़ेगा। ये बिल्कुल इसमें मेरिट नहीं देखी गई है और बिना मेरिट देखे हमारी प्रोफाइल पर इस मुकदमे को डिसाइड किया कि एक भाई सांसद है, एक विधायक है, एक एमएलसी है, तो वो प्रोफाइल पर डिसाइड हुआ है। मेरिट पर हम हाईकोर्ट में जाएंगे इस फैसले के खिलाफ और हाईकोर्ट से हमको न्याय मिलेगा क्योंकि पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि हम अपराधी नहीं हैं। इस मुकदमे के अलावा हमारे ऊपर एक 323 का भी मुकदमा नहीं है। हम लोग राजनैतिक हैं, जनसेवा का हमारा काम है और जनसेवा में लोगों का इतना हमारे साथ जुड़ाव रहा कि वो नज़र कुछ लोगों की लगी है। अब वो नज़र को झाड़ा वाड़ा जाएगा किसी तरह से धुआं हुआ करके और फिर बाहर आ जाया जाएगा, फिर जनसेवा किया जाएगा। हाईकोर्ट में चुनौती देंगे? हाँ बिल्कुल, हाईकोर्ट में चुनौती देंगे जहाँ जहाँ तक चुनौती देना पड़ेगा क्योंकि हमने अपराध नहीं किया है ना। अपराध किए होते तो कुछ डर रहता, अपराध हमने किया नहीं है, ये सब लोग जानते हैं कि हम अपराधी नहीं हैं। समर्थकों के लिए जो जो जिस घटना में हमको अपराधी साबित किया गया है वो अपराधी थे, पूरा परिवार अपराधी है। हमारे ऊपर एक 323 का भी मुकदमा नहीं और अपराध हमारे बस की, हम तो जनसेवक हैं, जनता के बीच के आदमी हैं। जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? सेवकों के लिए, साथियों के लिए? अपने साथी हमारे हमारे साथ जिस प्रकार से हैं उस प्रकार से जुड़े रहेंगे और निराश नहीं होंगे, हताश नहीं होंगे। और मैं मजबूत आदमी हूं, कमजोर आदमी नहीं हूं। सारी बाधाओं को दूर करके और लड़ाई लड़ करके जीत करके कोर्ट से और फिर साथियों के बीच में आऊँगा और फिर जनसेवा के काम में लग जाऊँगा। इसलिए बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है, ये बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं। न्याय नहीं हुआ अभी? देखिए नीचे की कोर्टों में अगर कहूँगा तो फिर अभी अवहेलना हो जाएगी कोर्ट की। अब न्याय नीचे हो नहीं पाता है, वहाँ प्रोफाइल देखी जाती है। अगर मेरिट देख ली गई होती तो हमारे साथ न्याय हो गया होता, हम बरी हो गए होते। केस की मेरिट नहीं देखी गई, प्रोफाइल देखी गई, बस कष्ट केवल इस बात का। प्रोफाइल से आपको सजा सुनाई? हाँ भाई, क्योंकि तीनों भाई एक राजनीतिक उसमें हैं तो इसलिए इनकी किस प्रकार से डैमेज हो जाएंगे, षड्यंत्र इसका है। षड्यंत्र बड़ा है, छोटा नहीं है, षड्यंत्र बड़ा है। लेकिन ठीक है, ऊपर वाले को जो मंजूर है वो होगा और वही आगे चलेगा। हमको पूरा भरोसा है कि हम हाईकोर्ट से बरी होकर के आएंगे क्योंकि हमने अपराध नहीं किया है, हम अपराधी नहीं है। षड्यंत्र किसने किया? षड्यंत्र तो जो लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं उन्हीं का है। अब ये जरा उनसे पूछ रहे होंगे, वही जो अपराधी किस्म के लोग हैं। नाम बता दो। ठीक है, अरे आप अगर नाम बता देता मैं तो ये षड्यंत्र हो ही नहीं पाता।